देखिए, मैं दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति यह है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था, ये जो ग्लेशियर टूटा उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया, और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया। और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पेक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा, तो ये दो जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है, पहली बार। और इसको जो है, पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं, ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्ण प्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग, कल SDRF के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है, और आर्मी के लोग, वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके, उसके आगे जाना असंभव था। और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, वो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है, उसमें अभी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं।